नमोवा मित्रों, आज का प्रश्न बहुत अच्छा है और जब अच्छा प्रश्न मिलता है तो उत्तर देने में आनंद भी उतना ही आता है। तो प्रश्न है, ये ट्विटर पर एक हैंडल है @hinduism_ebooks, बहुत अच्छा हैंडल है, आप इनका अनुसरण अवश्य करें। तो इनका प्रश्न है, ललिता सहस्रम, अंग्रेजी में प्रश्न है, इन द ललिता सहस्रम द पोएट एड्रेसेस देवी एज प्रभो ऑन टू ओकेजन्स, कैन समवन प्लीज एक्सप्लेन दिस यूसेज। और जो इन्होंने श्लोक उद्धृत किया है वह शार्दूल विक्रीडित छंद में है, पुष्पाद्य परिपूजयंति हविषा चत्वाम्यजंति प्रभो। तो इन्होंने पूछा है देवी को प्रभो क्यों कहा गया है, प्रभो किसका संबुद्धि रूप है, किसके संबोधन में बनता है, प्रभु के, और प्रभु पुल्लिंग है। और इन्होंने प्रश्न किया है प्रभ्वी जब स्त्रीलिंग होता है जिसका संबुद्धि में रूप बनता है प्रभ्वि छोटी वाला, तो यहां प्रभो क्यों कहा गया। तो इसका उत्तर हम देते हैं, इसका संक्षेप में उत्तर है प्रभु शब्द के दो स्त्रीलिंग रूप होते हैं और दोनों विकल्प से होते हैं। प्रभु शब्द का एक स्त्रीलिंग रूप तो जो इन्हें ज्ञात है प्रभ्वी, वो होता ही है, और एक दूसरा स्त्रीलिंग रूप भी होता है जो होता है केवल प्रभु, वही प्रभु, वही का वही, कोई परिवर्तन नहीं। तो प्रभु शब्द के जो प्रभु पुंलिंग में जो प्रभु शब्द है उसके स्त्रीलिंग में दो रूप बनते हैं, एक तो प्रभु और दूसरा प्रभ्वी। और इसका प्रमाण आप किसी भी कोश में देख लें, तो मेरे पास ये आपटे का संस्कृत हिंदी कोश है, इसके इस संस्करण के 668वें पृष्ठ पर, मैं दिखाना चाहता था पर देखते हैं, प्रयास करते हैं, यहाँ आप देखने का प्रयास करें। तो प्रभु शब्द के यहाँ दो स्त्रीलिंग दिए हैं, एक प्रभु और एक प्रभ्वी। तो ये तो था जो स्थिति है, इसका कारण क्या है अब ये जानते हैं। तो इसका कारण ये है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है, वह सूत्र है वो तो गुणवचनात्। क्या सूत्र है? वो तो गुणवचनात्। आइए सूत्र की टीका देखते हैं, यह है मेरे पास अष्टाध्यायी, पंडित ईश्वर चंद्र की व्याख्या सहित। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, जिसको भी हिंदी माध्यम से संस्कृत व्याकरण सीखना हो, अष्टाध्यायी सीखनी हो, उनके लिए ये पंडित ईश्वर चंद्र की अष्टाध्यायी पर टीका बहुत अच्छी है। तो चौथे अध्याय के पहले पाद के 44वें सूत्र पर चलते हैं, वो तो गुणवचनात्। इसकी व्याख्या पंडित ईश्वर चंद्र के अनुसार, ह्रस्व उकारांत गुणवाची प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विकल्प, स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से म्यूष होता है। तो जब हमें गुणवाचक उकारांत शब्द है, जिस शब्द के अंत में छोटा उ आता है और वो गुणवाचक है, तो उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम ई प्रत्यय लगाएंगे पर विकल्प से, तो एक पक्ष में लगेगा एक पक्ष में नहीं लगेगा। अब इनके उदाहरण देखिए, पटु पट्टी, तो पटु शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनता है? पटु भी बनता है और पट्टी भी। इसी प्रकार मृद्वी मृदु, मृदु का स्त्रीलिंग क्या है? मृदु भी मृद्वी भी। लघ्वी लघु, लघु का स्त्रीलिंग क्या है? लघु भी लघ्वी भी। गुरुवी गुरु, गुरु का स्त्रीलिंग क्या है? गुरु भी गुरुवी भी। इसी प्रकार तन्वी तनु का स्त्रीलिंग, तनु भी तन्वी भी। पृथु का स्त्रीलिंग पृथु भी पृथ्वी भी। साधु का स्त्रीलिंग साधु भी साध्वी भी। इसी प्रकार ऋजु का स्त्रीलिंग ऋजु भी और ऋजवी भी। तो ऐसे अनेक शब्द हैं, जैसे चारु शब्द है, चारु शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनता है? चारु शब्द का स्त्रीलिंग बनता है एक तो चारु और दूसरा चारवी। इसीलिए चारु जो नाम है ये लड़कों को भी दिया जा सकता है और लड़कियों को भी दिया जा सकता है, क्योंकि चारु शब्द स्त्रीलिंग भी है पुंलिंग भी है। तो जो हमने बताया, प्रभु शब्द के दो स्त्रीलिंग रूप हैं, एक है प्रभु स्वयं वही और एक है प्रभ्वी। तो जब प्रभु रूप होगा स्त्रीलिंग में तो उसका संबुद्धि में क्या रूप बनेगा? हे प्रभो, जैसे धेनु का बनता है हे धेनु। और जब प्रभ्वी होगा तो बनेगा प्रभ्वी, जैसे नदी का हे नदी। तो ये तो हमने बताया कैसे प्रभु शब्द के स्त्रीलिंग में दो रूप होते हैं, प्रभु और प्रभ्वी, और उनके संबोधन में इस हे प्रभो अथवा हे प्रभ्वी ये बनेंगे। अब यहां इन्होंने प्रभ्वी का प्रयोग क्यों नहीं किया, प्रभो का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो
इसका कारण तो छंद शास्त्र ही है, क्योंकि यह शार्दूल विक्रीडित छंद है। पुष्पाद्यय परिपूजयंति हविषा चत्वाम यजन्ति प्रभो। तो शार्दूल विक्रीडित के प्रत्येक चरण के, क्षमा कीजिए फोन बज रहा था, शार्दूल विक्रीडित के प्रत्येक चरण का 18वां अक्षर लघु होता है, जैसे रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे, यहां भ लघु है, है ना। रामेणाभिहता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः, यहां न लघु है। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्, यहां म्य लघु है। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर, यहां ध यह लघु है। तो 18वां अक्षर लघु ही होता है, तो यहां यदि ये प्रभ्वी कर देते कवि तो छंद टूट जाता, क्योंकि प्रभ्वी में प्र दीर्घ हो जाता, यह गुरु हो जाता, क्योंकि उसके आगे संयुक्त अक्षर है। तो इसलिए यहां प्रभो शब्द का प्रयोग किया गया, और यह स्त्रीलिंग शब्द ही है जिसका देवी के लिए प्रयोग किया गया है। तो प्रभु अथवा प्रभो शब्द का प्रयोग महिलाओं के लिए अथवा देवी के लिए किया जा सकता है। इन सब बातों को अच्छे से सीखने के लिए एक पुस्तक में और बता रहा हूं, वह पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी पर आचार्य गोविंद प्रसाद शर्मा की व्याख्या। ये मेरे पास इस पर आवरण चढ़ा हुआ है, यह चौखंबा सुर भारती प्रकाशन से छपी है और 3 खंडों में है यह पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी। इस पर है श्रीधर मुखोल्लासिनी हिंदी व्याख्या, 3 खंडों में, ये आप अवश्य लें और इसी प्रकार प्रश्न पूछते रहें, उनका मैं यथासंभव यथाधीतम यथामति उत्तर देने का प्रयास करूँगा। नमो वः।